छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा। आखिरी दौर की 72 सीटों पर शाम 6 बजे तक करीब 72% मतदान। ईवीएम में कैद हुई भूपेश बघेल और अजीत जोगी समेत 1079 उम्मीदवारों की किस्मत, 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश और मिजोरम में चुनाव प्रचार तेज। झाबुआ और रीवा में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए मांगा जनता का समर्थन। मिजोरम के लिए बीजेपी ने जारी किया दृष्टि पत्र। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की रैलियां। सीवीसी रिपोर्ट पर सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा का जवाब लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज। 29 नवंबर तक स्थगित की मामले की सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, संस्थानों के सम्मान और मर्यादा को रखें बरकरार। ১৯৮৪ सिख दंगा मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का अहम फैसला। 34 साल बाद दोषी करार। यशपाल सिंह को फांसी और नरेश सहरावत को उम्र कैद। सजा पर पीड़ित पक्ष ने जताया संतोष। लोकतंत्र की मजबूती के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संविधान के तीनों अंगों को मजबूत बनाने पर जोर। जस्टिस कृष्ण अय्यर के जयंती समारोह में कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। देश में बदलाव के लिए न्यायपालिका की भूमिका को बताया अहम।